this at maximum power. नॉइस ब्रांड आप जानते ही हैं, मार्केट में बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं स्मार्ट वॉचेस को लेके, कुछ कुछ दिनों में नई नई स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करते ही रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें, जो नए नए फीचर्स आते रहते हैं स्मार्ट वॉच को लेके आपको बिल्कुल टाइमली मिलते रहें। और आज हमारे पास इनकी एक और नई स्मार्ट वॉच है, दैट इज नॉइस फिट एजाइल 2 बज ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2500 रुपीज के आसपास, और इसमें आपको राउंड डिस्प्ले मिलने वाला है, बढ़िया आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलने वाला है, मल्टीपल आपको स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं। एक एक डिटेलिंग हम चेक करेंगे, आप जानते ही हम डिटेलिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, सारी हम टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो में ताकि एंड तक पहुंचते सब देखने के बाद फाइनली आप डिसाइड कर पाए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको नॉइस फिट एजाइल 2 बज ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच का सिटी सेंट सब बॉक्स मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा पेपर वर्क हमेशा की तरह, नॉइस ब्रांड की तरफ से कुछ स्टिकर्स, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, अपने हिसाब से इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक एडिक्वेट लेंथ की आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लेंथ नहीं दी गई है, चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द राउंड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर आपको हिंजेस मिल जाएंगे, क्वालिटी अच्छी मेंटेन की गई है यहाँ पे। बैक साइड में आपको सेंसर्स, चार्जिंग पॉइंट, बिल्ट इन स्पीकर, माइक्रोफोन मिलेगा कॉलिंग पर्पज के लिए, हम आगे कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे। साथ ही में जो बॉडी दी गई है यहाँ पे आपको पूरी प्लास्टिक बॉडी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको काफी अच्छी क्वालिटी की टफ आपको यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी मिल जाएगी स्मार्ट वॉच की। दो आपको मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले हैं यहाँ पे, और मेनली अगर आपको एक सर्कुलर डिस्प्ले की बड़े स्ट्रैप के साथ आपको एक ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ स्मार्ट वॉच चाहिए, बिल्ड क्वालिटी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली, इसको लेके मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। फ्रंट में आपको 1.28 इंच का आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ, व्यूइंग एंगल्स आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव मिलने वाले स्मार्ट वॉच के थ्रू ही, कर्व यहां पे आप देख सकते हैं आपको ग्लास मिल जाएगा, एंड जो साइड में दो बटन दिए गए हैं यहां पे आपको शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं, जो ऊपर वाला बटन है उसको आप प्रेस करेंगे, जो जितने भी एप्लीकेशन से आपके स्मार्ट वॉच के आप एक्सेस कर सकते हैं यहां पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हैं जो यूजर इंटरफेस की स्मूथनेस है, काफी आपको स्मूथ UI मिल जाएगा, मुझे इसको ऐसे लेके कोई दिक्कत नहीं लगी, आराम से सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे। और जो नीचे वाला बटन है सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे तो यहां पे आपको 60 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, अपने हिसाब से कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में आपको स्पोर्ट्स मिलने वाले हैं, अपने हिसाब से इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे स्टेप काउंटिंग को लेके, अब हम कुछ स्टेप्स चलते हैं यहां पे, फिर हम चेक करेंगे कितनी आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है। लगभग मैं घूम फिर के यहां पे 37 स्टेप चल के आया हूं, और स्मार्ट वॉच में यहां पे दिखा रहा है 35 स्टेप्स, तो माइनर से आपको हल्की फुल्की आप बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन देखने में यहां पे मिल सकती है। और अगर आप यहां से स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जो रेस टू वेक फीचर उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहां से, और इसका जो रेस टू वेक फीचर है सही तरीके से वर्क करता है, प्रॉम्प्ट आपको रिस्पांस दे देगा जब भी आप डिस्प्ले देखने के लिए स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे, इसको लेकर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग्स पार्ट, सेटिंग्स पार्ट में यहाँ पे आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम आउट दिया गया है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, मिनिमम 5 सेकंड्स दिया गया है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। डो नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाएगा, रेस टू वेक फीचर को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही में जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, आपको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, या बंद करने वाइब्रेशन अलर्ट्स यहाँ से आप कर पाएंगे अपने हिसाब से। और साथ ही में यहाँ पे आप ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच की डायरेक्टली यहीं से ही। और यहाँ पे आप आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस बिल्कुल 4 है, और आप देख सकते हैं जो ब्राइटनेस है आउटडोर कंडीशन में, अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहें आउटडोर कंडीशन में सनलाइट के अंदर भी, तो आराम से सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सिस्टम में मिल जाएगा पावर ऑफ का ऑप्शन, रीस्टार्ट, रीसेट का ऑप्शन, एंड बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है QR कोड का ऑप्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, अबाउट स्मार्ट वॉच के बारे में आप चेकआउट करके देख सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे सेटिंग्स पार्ट में। ब्राइटनेस का शॉर्टकट दिया गया यहाँ पे, डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्लैश लाइट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे टैप टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है। एंड अगर आप मेन स्क्रीन पे जाके यहाँ से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है शॉर्टकट्स, नोटिफिकेशंस आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको SMS नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और प्रॉपर तरीके से आप स्क्रॉल करके पूरा मैसेज पढ़ पाएंगे जितना भी बड़ा मैसेज आया है। एंड अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को,
थैंक यू, तो उस तरीके का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं शॉर्टकट्स एक्टिविटी रिकॉर्ड्स का, आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी आपने स्टेप्स काउंटिंग की हुई है, कैलोरी कितनी बर्न की है, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, वेदर इन्फॉर्मेशन का अपडेट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपको डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट भी दिखा देगा नेक्स्ट फ्यू डेज का, सही तरीके से ये पार्ट वर्क करता है। एंड अगर हम स्क्रीन पे जाके स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको सारी की सारी फीचर्स मिलने वाले जितने भी आपको एप्लीकेशन से स्मार्टवॉच में आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नॉइस हेल्थ सूट मिलने वाला है, इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग, यहाँ पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, वर्कआउट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, नॉइस बस में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया, आप रिसेंट कॉल चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा, वैसे हम आगे करेंगे इसका कॉलिंग का टेस्ट। और साथ ही में आपको मिलने वाला है वॉइस असिस्टेंट का फीचर, सिंपली आप कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन से अगर आप टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में, जो भी आपका फोन सपोर्ट करता है वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे आपको बिल्ट इन गेम्स मिलने वाले, यहाँ पे आपको दो गेम्स मिल जाएंगे, टैप टैप करके अगर टाइम पास करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, स्मार्टफोन से आप कनेक्शन स्टैब्लिश करके आप प्ले पॉज कर सकते हैं ट्रैक्स को, ट्रैक्स आप चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। एंड जो फोन की स्पीकर की लाउडनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू ही, सही तरीके से वर्क करता है ये वाला फीचर भी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, क्लॉक का ऑप्शन, फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन का ऑप्शन, रिमोट शटर, कैमरा शटर का ऑप्शन, सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। एंड सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको काफी तक एक्यूरेसी मिल जाएगी हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेके, इसको लेके मुझे ज्यादा दिक्कत फेस नहीं हुई। और साथ ही में ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की फुल्की 1% ऊपर नीचे दिखा सकता है इसका SpO2। और जो किसी का कॉल आएगा तो आपको ऐसा डिस्प्ले दिखा देगा प्रॉपर नाम के साथ, यहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉल को। अब आप लीजिए ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना नॉइस फिट एजाइल 2 बज ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है नॉइस ब्रांड की तरफ से। मैं अभी डायरेक्टली स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ, घर के अंदर ही बैठा हूँ। मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? आवाज़ तो काफ़ी क्लियर आ रही है, वोकल्स काफ़ी क्लियर है और लाउड भी है। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टॉर्शन या फिर कुछ? ठीक है दीक्षा, थैंक यू, बाय। एंड कॉल के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हैं कॉल को, और जो स्पीकर की लाउडनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपको कॉल स्विचिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया, वो आपको स्मार्टफोन के थ्रू ही करना पड़ेगा। और साथ ही में इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट फीचर दिया गया है, डस्ट रेजिस्टेंट फीचर, पानी के स्प्लैचेस आते हैं, डस्ट लगता है, अगर आपको स्वेट आता है इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, बट मैं पर्सनली बोलूंगा अंडर वाटर ले आना अवॉइड कीजिएगा। और इसमें आपको नॉइस फिट ट्रैक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, सिंपली आप कनेक्शन स्टैब्लिश करके जितने भी आपने एक्टिविटीज की दिन भर में फ्रंट पेज में आपको सारी की सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड्स दिखा देगा, हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज बता देगा स्मार्ट वॉच की। यहाँ पे आपको वॉच फेसेस मिलने वाले हैं मल्टीपल, यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन वॉच फेस मिल जाएंगे, और जैसे आप यहाँ पे मोर वॉच फेसेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसमें क्लाउड वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जाएंगे आप एडिट पार्ट में तो अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो आपके फोन में स्टोर है पिक्चर उसको लगा सकते हैं वॉच फेस की तरह, आपको टेक्स्ट पोजीशन कैसा चाहिए, टाइम पोजीशन, टेक्स्ट कलर, मल्टीपल आपको फीचर्स मिल जाएंगे वॉच फेसेस को लेके। एंड नोटिफिकेशंस में आप जाएंगे तो जो एक्जैक्टली आपको नोटिफिकेशंस चाहिए आपके जो स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस हैं, कौन से आपको नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा शटर का ऑप्शन भी दिया गया है, सिंपली आप देख सकते हैं जो आपके स्मार्ट वॉच में जो शटर है यहाँ पे आप टैप करेंगे जो एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू जो फीचर है यहाँ पे कैमरा पिक्चर ले लेता है, ये पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन के साथ ही वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप फेवरेट कॉन्टेक्ट भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 8 डिफरेंट कॉन्टेक्ट सेव करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको भी अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे आप जाएंगे अदर्स में तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे, फाइंड डिवाइस, टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, डू नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर्स टू मूव का ऑप्शन, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फोन म्यूजिक कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सेविंग, लैंग्वेज सिलेक्शन, स्क्रीन टाइम को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, वेदर इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल आपको फीचर्स मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने एक एक डिटेलिंग चेक कर ली होगी स्मार्ट वॉच के बारे में, कैसी इसकी बिल्ट है, आउटर कंडीशन में आपको कैसी ब्राइटनेस मिलने वाली है, काफी आपको स्मूथ यूआई मिल जाएगा उसको लेके मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। और अगर हम बात करेंगे इसका जो मेन फीचर दिया गया है ब्लूटूथ कॉलिंग का जो फीचर है यार, इसका जो माइक्रोफोन है वो सही तरीके से वर्क करता है, सामने वाले से अगर आप बात करेंगे सामने वाला फोकस से आपको लाउड तरीके से सुन पाएगा, उसको लेके कोई इशू नहीं लगा। लेकिन जो इसका स्पीकर दिया गया है मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत लाउडनेस देनी चाहिए इसके स्पीकर पार्ट को लेके, स्पीकर की लाउडनेस देखो तो कंपेयर में थोड़ी बहुत कम बोल सकते हैं। अगर आप शांति में बैठे हुए घर के अंदर आप बैठे हुए आराम से ऐसे बिल्कुल सुनेंगे बात करेंगे सामने वाले से तो आप आराम से सुन पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत नॉइजी एनवायरमेंट में है या बाहर है तो थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हो सकती है ब्लूटूथ कॉलिंग को लेकर। मेरे हिसाब से हल्की फुल्की अनाउंसमेंट देनी चाहिए स्पीकर पार्ट को लेकर, लेकिन हाँ अगर आप घर के अंदर शांति में बैठ के बात करना चाहते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू वो आप कर पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और अगर हम बात करेंगे इसके स्टेप काउंटिंग की जो एक्यूरेसी है, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 स्टेप्स चलते हैं तो ये 97 या 98 के आसपास दिखा सकती है स्टेप्स,
हल्के फुल्के कंपेरेटिवली कम स्टेप सिखा सकती है स्मार्ट वॉच, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको मैनेजेबल आप बोल सकते हैं, अगर आप एक्टिविटीज करते तो उसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। और जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर है उसमें आपको काफी तक एक्यूरेसी मिल जाएगी, उसको लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। और जो ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट है उसमें आपको हल्की फुल्की आप बोल सकते हैं 1% ऊपर नीचे दिखा सकता है। सो अगर आपको और भी एक्यूरेसी चाहिए, परफेक्ट आप एक्यूरेसी चाहिए आपको हेल्थ सेंसर पार्ट को लेकर, तो मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूं, जो इंस्ट्रूमेंट किट्स आते हैं हेल्थ इंस्ट्रूमेंट किट्स, उनको ऑप्शन में रख सकते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी। और अगर हम बात करेंगे इसके बैटरी लाइफ की, मैं इसको लगभग एक दिन से बिल्कुल अच्छे से यूज कर रहा हूं, कल रात से मैं इसको यूज कर रहा हूं, और बैटरी अभी बची हुई आप बोल सकते हैं 68%। तो आप बोल सकते हैं अगर आप हैवी यूसेज करते हैं, मैंने काफी अच्छे से यूज किया है, तो 3 से 4 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा अगर आप बिल्कुल हार्डकोर यूसेज करेंगे स्मार्ट वॉच का। और अगर आप ज्यादा ब्लूटूथ कॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लूटूथ कॉलिंग करेंगे, तो लगभग आप बोल सकते हैं 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा स्मार्ट वॉच के थ्रू। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूसेज करते, ज्यादा हैवी यूसेज नहीं करते, कैजुअली यूज करेंगे स्मार्ट वॉच का, तो लगभग आपको 6 से 7 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा इसके थ्रू। सो मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए स्मार्ट वॉच के बारे में। और देखा जाए अगर आपको एक राउंड डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच चाहिए, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर चाहिए, मल्टीपल आपको स्पोर्ट्स मोड चाहिए, बिल्ट इन गेम्स चाहिए, बड़ा आपको स्ट्रैप क्वालिटी चाहिए, इसको आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तरह जस्टिफाई करती है। लेकिन मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, अब आप डिसीजन मैटर करता है इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं। सारे के सारे लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी कुछ दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द नॉइस फिट एजाइल 2 बस ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।